कि पूरा प्लान में उनका करने जाऊंगा तो मुझे थाने से निकाल देंगे ये लोग। तो इस स्टेशन के इंचार्ज हम हैं तो जाहिर सी बात है हमारे ही खाते में जाएगा। ठीक है सर, तो फिर ये केस आप ही सॉल्व कीजिए, हम इस केस में आपकी कोई मदद नहीं। ये सारी महिलाओं के बीच में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वही हुआ। बाहर में जाइए और बाहर में जाए इसके फर्जी वादे। बेबी मेरी बात तो सुनो बेबी। अपन से कुछ ऐसा है कि वो बहुत डरता है अपनी दीदी अपनी पापा से, तो सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं सुधर गया हूँ, मैं सच में सुधर गया हूँ। अगर मेरी बीवी नहीं रहेगी तो मैं सुधर के क्या करूँगा। फॉर्म में तो अमर स्टार्टिंग में आ गया था, लेकिन इतनी सारी महिलाओं के बीच में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वही हुआ। अब धीरे धीरे एडजस्ट करते करते अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं हम, जो अमर विद्रोही एक्चुअल में है। तो वही है, बस फॉर्म में तो आना बनता ही है ना यार। अब इतनी सारी लेडीज़ में अगर आप अकेले खड़े हो तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में आप एडजस्ट कर लेते हो। देखिए दीवान जी और अमर विद्रोही की जोड़ी जो है वो काफ़ी पसंद आ रही है लोगों को, काफ़ी मज़ा आता है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ सीन करने में, और उनको भी काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि हमारे सीन काफ़ी वो शकुनी मामा भांजा टाइप जो सीन होते हैं उस टाइप के, उनका तो नाम भी रख दिया लोगों ने कि शकुनी मामा है ये, तो वो मुझे पंप भरते रहते हैं और मैं वो चीज़ें करता रहता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में मेरे गुरु भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ बातें उनकी माननी पड़ती हैं मुझे भी। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कि ज़्यादा गलत बोलें तो मानूँ, ऐसा अमर विद्रोही नहीं मानता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें केस से रिलेटेड बातें या कहीं कुछ हो तो वो सब बातें तो माननी पड़ती हैं। उनका प्लान हमेशा एक ही होता है कि महिलाओं को नीचे करो और आप थाना जीतो ये वो, तो उनके उस प्लानिंग्स में कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं वो इकट्ठी करके उस हिसाब से अपनी प्लानिंग आगे करता हूँ। बाकी पूरा प्लान मैं उनका करने जाऊँगा तो मुझे थाने से निकाल देंगे ये लोग। देखिए मुझे तो पहले ही पता था कि इनका प्लान कहीं ना कहीं तो वो करिश्मा सिंह है, वो उनको अपना थाना जीतना, उनको अपने लिए वो सब कर रही हैं कि पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं केस इन्वेस्टिगेट करूंगी, चाहे आप ही के अंडर है, पॉइंट्स मिलेगा तो हमारी साइड मिलेगा, महिला थाने को मिलेगा, आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको पॉइंट लेना है तो आप खुद ही अकेले ये केस इन्वेस्टिगेट कीजिए, फिर आपको मेरी क्यों ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन दीवान जी हैं तो भी उनकी बात भी माननी पड़ेगी, इसलिए मैंने करिश्मा सिंह को बुलाया था कि आप प्लीज़ ये केस देखिए, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का केस है, घरेलू मैटर है, तो उसमें हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि पति पत्नी वाले, क्योंकि हम तो पति हैं नहीं किसी का, दीवान जी तो रहे नहीं, तो इसीलिए हम करिश्मा सिंह को बुलाते हैं, लेकिन वो भी उखड़ के निकल लेती हैं कि पॉइंट मिलेगा तो हमें मिलना चाहिए, बाकी देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम आगे जाके। यार मेरा बिग बॉस मेरी दीदी, तो जब भी उनका फ़ोन आता है मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो बचपन से कुछ ऐसा है कि वो बहुत डरता है अपनी दीदी अपनी पापा से, तो वो डर उसके अंदर से अभी निकला नहीं है, अमर विद्रोही के अंदर से कि, और वो डर यूँ था कि बचपन में कुछ 5-6 मार्क्स कम परसेंटेज कम आ गई थी, 95, जैसे किसी सिस्टर के 95 आ गए तो आपके 90% आ गए, तो उस बात पे भी उसके बाप ने उसे इतना सुनाया था कि तू निकम्मा है निठल्ला है, लड़के कुछ नहीं होते सब लड़कियाँ करती हैं, तो 5% के चक्कर में वो तब से वो चीज़ें उसके अंदर इतनी भरी पड़ी हैं कि वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। औरतें जहाँ भी दिखती हैं उसको कॉम्पिटिशन की बात आती है, वैसे वो बहुत रिस्पेक्ट करता है औरतों की, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिशन की बात हुई वो बचपन की यादें उसे क्लिक होती हैं दिमाग में और वो एकदम कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि नहीं औरतें क्यों भाई, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये चलता ही रहेगा आई थिंक यहाँ पे। ईजी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि करिश्मा सिंह है ना उनके बाद, और ईजी कैसे हो सकता है, इतने हमारी टीम में हम दो ही हैं, मैं और दीवान जी, उनकी टीम में 4-5 भरे पड़े हैं वो, तो ईजी तो बिल्कुल नहीं है, और सभी होनहार पुलिस वाले हैं तो इतना ईजी नहीं है। बाकी जो केस आता है वो एट द एंड ऑफ द डे थाने के ही हित में होता है, ये कॉम्पिटिशन एंड ऑल चलो ये तो मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन केस सॉल्व होता है तो पूरे थाने के ही उसमें जाता है, सो वो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पुलिस वाले जब मिलके सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो लोगों की भलाई होती है उसमें, तो बाकी मस्ती तो अपनी जगह है। बाहर में जाइए और बाहर में जाए इसके फर्जी वादे। बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो बेबी। यार सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं सुधर गया हूँ, मैं सच में सुधर गया हूँ। अगर मेरी बीवी नहीं रहेगी तो मैं सुधर के क्या करूंगा। अब आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं इस थाने के आगे जान दे दूंगा। क्या लग रहा है दीवान जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, रोज करूंगा आपसे।
अरे दीवान जी, केस के बारे में पूछ रहा हूँ। केस का क्या लग रहा है आपको? सर केस का क्या लगना है, वही सदियों से मियां बीवी का टट्टा। परफेक्ट पति की एक्सपेक्टेशन रखती हुई दुखी पत्नी, वही नशेड़ी एबी निकम्मा पति। हर दूसरे घर की यही कहानी है सर, इसमें नया क्या है? अरे दीवान जी, हमारे लिए तो नया है ना, हम पति हुए नहीं, आप रहे नहीं, हमें एक्सपीरियंस नहीं ऐसे केसेस हैंडल करने का। और क्या है इस केस में, कुछ नहीं है करने का सर। इन महिला गिरोह के लिए तो ये केस है ना, और हमारे लिए एक नंबर। अगर उनके यहाँ गया तो उनका स्कोर ऊपर, और अगर हमारे यहाँ पर आया तो हमारा स्कोर ऊपर। करिश्मा मैडम की बात कर रहा हूँ। देखिए हसीना मैडम के बाद इन महिला गिरोह की सर्वे सर्वा करिश्मा मैडम ही है, और आपकी जूनियर भी है। सॉल्व करने में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो दीवान जी, तो सर आप करिश्मा मैडम को ऑर्डर दीजिए कि वो इस केस को सॉल्व करे। सर आपकी जूनियर है तो काम तो करेंगी आपके अंडर ही, मतलब सर केस आएगा हमारे ही खाते में। देखिए सर, टेक्निकली आपके ऑर्डर्स फॉलो करेंगी तो काम भी आपका ही बनेगा। करिश्मा सिंह सर, एक और बार जोर से। करिश्मा सिंह जी। करिश्मा सिंह, हमने ये तय किया है कि ये जो नया हस्बैंड वाइफ का मामला है, सुधीर और पलक वाला, इसे फ्रंट फुट पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे।